50 हिडन ट्रेल्स एंड फैक्ट्स अबाउट द डार्क नाइट राइजेस जो कि शायद ही आपको पता होंगे। लाइक जब बेन एंड बैटमैन फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उस टाइम बेन के फुटस्टेप्स बहुत ही लाउड एंड हैवी साउंड करते हैं एज कम्पेयर टू बैटमैन फुटस्टेप्स। तो यहाँ पर ये इन दोनों के डिफरेंट कॉम्बैट स्टाइल्स को दिखाने के लिए ऐसा किया गया था क्योंकि बेन अपने स्ट्रेंथ एंड ब्रूस स्टाइल के साथ फाइट करता है बट बैटमैन स्टेल्थ मेथड का यूज करता है ताकि उसकी प्रेजेंस का किसी को पता ना चले। एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग अटेंशन टू डिटेल। नंबर टू, द डार्क नाइट राइजेस के एंड में ब्रूस की डेथ के टाइम जो म्यूजिक प्ले होता है तो यही सेम म्यूजिक बैटमैन बिगिंस में उसके पेरेंट्स की डेथ के टाइम भी चलता है। नंबर थ्री, जब ब्रूस कैटवुमन के फिंगरप्रिंट्स को ट्रेस कर रहा होता है तो उस टाइम रिजल्ट्स में एक नाम आता है निकोलाई ओंद्रेस्कु और ये डिटेल आपने डेफिनेटली मिस की होगी कि जब द डार्क राइट में जोकर मेयर को टारगेट करता है तो उस टाइम उसने इसी सेम सरनेम का यूज किया था जोए ओंद्रेस्कु। नंबर फोर, डॉक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी में मास्क को बहुत ही ज्यादा फोरशैडो किया है। लाइक मूवी में बैटमैन बेन एंड कैटवुमन तो ये सभी मास्क पहनते हैं। ब्रूस वेन के रूम में हमें अफ्रीकन ट्राइबल मास्क की कलेक्शन देखने को मिलती है। मिरांडा टेट जिस पार्टी को होस्ट करती है तो उसमें सभी ने मास्क पहने होते हैं ब्रूस एंड मिरांडा को छोड़कर क्योंकि इन दोनों के ऑलरेडी दूसरे पर्सोनास होते हैं लाइक मिरांडा एज टालिया स्कूल एंड ब्रूस एज बैटमैन। एंड ऑल्सो फर्स्ट वन में रेचल ब्रूस से कहती भी है कि उसका चेहरा है उसका मास्क है। नंबर फाइव, द डार्क नाइट की शुरुआत में जब हमें बैटमैन को एक्शन में दिखाया जाता है तो उस टाइम उसे एक डॉग उसके लेफ्ट आर्म पर काट लेता है जिसके बाद यही सेम इंजरी हमें ब्रूस के लेफ्ट आर्म पर द डार्क नाइट राइजेस में देखने को मिलती है। ए ग्रेट कंटिन्यूटी डिटेल। नंबर सिक्स, बेन के सिर पर हमें एक ट्रायंगुलर स्कार देखने को मिलता है और ऐसा सिमिलर ट्रायंगुलर स्कार हमें मिरांडा की बैक पर भी दिखाया जाता है जो कि एक और हिंट था कि मिरांडा लीग ऑफ शैडोज की ही मेंबर है। एंड मूवी में हमें सेवरल हिंट्स दिए गए थे कि मिरांडा राल गुल की बेटी टालिया एल गुल है। लाइक चैरिटी पोल पार्टी के दौरान मिरांडा ब्रूस से कहती है कि वर्ल्ड के बैलेंस को बनाए रखने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है। एंड बैटमैन बिगिंस में राल गुल भी कुछ ऐसा ही कहता है कि लीग ऑफ शैडोज का मिशन वर्ल्ड के बैलेंस को रिस्टोर करना है। Every time a civilization reaches the pinnacle of its decadence, we return to restore the balance. Gotham isn't beyond saving. And also इस सीन में मिरांडा ब्रूस से कहती है, Do what's necessary. I'm sorry. Do what's necessary. And बैटमैन बिगिंस में राल गुल भी ब्रूस को ऐसा ही कुछ कहता है। What he asks in return is the courage to do what is necessary. जिससे कि मिरांडा की ट्रू आइडेंटिटी हिंट की गई थी कि वो राहुल गुल की बेटी टालिया गुल है। नंबर एट, मूवी के स्टार्टिंग में दिखा कि इस एरोप्लेन स्टंट को प्रैक्टिकली किया गया था जिसमें सबसे पहले इस प्लेन के डिस्ट्रक्शन को ग्रीन स्क्रीन के सामने फिल्माया गया था और फिर उसके बाद इस वाले स्टंट को ऑन एयर इन चार स्टंटमैन के साथ परफॉर्म किया गया है। इसके बाद प्लेन के इस पार्ट को रियलिटी में नीचे भी फेंका गया था और इसी सीन के दौरान जब बेन एंड डॉक्टर पागल प्लेन को नीचे गिराते हुए हवा में लटकते हैं तो इस सीन के लिए एक्चुअल में डमीज का यूज किया गया था क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि हवा में लटके होने के बाद भी बेन का ये हैंड विदाउट एनी मूवमेंट सेम पोजीशन में ही रहता है। नंबर टेन, सेलिना को जब फर्स्ट टाइम पार्टी में दिखाया जाता है तो उस टाइम उसने अपने गले में कुछ भी पहना नहीं होता बट टेबल पर खाना रखने के बाद जब उसे रूम के अंदर दिखाया जाता है तो उस टाइम उसने अपने गले में नेकलेस पहना होता है। मीनिंग के रूम के अंदर आने के बाद उसने सबसे पहले नेकलेस को ही चुराया था। एंड मूवी में सेलिना कैल को एक बार भी कैट वुमन कहकर बुलाया नहीं गया और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड पुलिस फाइल्स में भी उसे सिर्फ द कैट कहकर ही मेंशन किया गया है और इस करेक्टर के ओरिजिनल इनकॉर्नेशन को दिखाने के लिए किया गया था क्योंकि सेलिना कैल एक ज्वेल थीफ होती है जो कि द कैट के नाम से जानी जाती है और फिर बाद में जाके ये कैट वुमन बनती है। एंड मूवी में सेलिना ने ब्रूस एंड बैटमैन दोनों को धोखा दिया होता है जो कि उसके ओरिजिनल पर्सोना द कैट को रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑल्सो द डार्क नाइट राइजेस में कैटवुमन को एक बहुत ही प्रैक्टिकल लुक दी गई थी एज कम्पेयर टू हर ओरिजिनल कॉस्ट्यूम जिसके वन ऑफ द कूल फीचर्स में से एक था इसमें लगी गॉगल्स जिन्हें कैटवुमन के ईयर्स की शेप में बनाया गया था एंड कैटवुमन इनका प्रैक्टिकल यूज भी करती थी। नंबर 13, डार्क नाइट ट्रिलॉजी के तीनों ही मूवीज के मेन विलेंस को उनके इंडिविजुअल मूवीज की शुरुआत में उन्हें के हेंचमैन के गेटअप में दिखाया गया है। लाइक बैटमैन बिगिंस में राहुल गुल अपनी ही टीम का पार्ट बना होता है सिमिलर द डार्क नाइट में जोकर भी करता है एंड लाइक वाइज द डार्क नाइट राइजेस की शुरुआत में बेन भी करता है। एंड बैटमैन तीनों ही मूवीज में इन सभी विलेंस को उसी सेम लाइन ऑफ डायलॉग को रिपीट करता है जो कि इन सभी विलेंस ने एट सम पॉइंट बैटमैन को बोली होती है। लाइक बैटमैन बिगिंस में ये लाइन Always mind your surroundings. You never learn to mind your surroundings.
द डार्क नाइट की आइकॉनिक लाइन, यू ईदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग एनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन, यू ईदर डाई अ हीरो और यू लिव लॉन्ग एनफ टू सी योरसेल्फ बिकम द विलन, एंड द डार्क नाइट राइज़ेस की ये लाइन, वी विल डिस्ट्रॉय गॉथम एंड देन व्हेन इट इज डन देन यू हैव माय परमिशन टू डाई, टेल मी वेयर द ट्रिगर इज देन You have my permission to die. Number 15. मूवी के स्टार्टिंग में जब कमिश्नर गॉर्डन हार्वी डेंट के बारे में स्पीच दे रहा होता है तो साइड में रखी इस हार्वी डेंट की फोटो में उसके चेहरे की एक तरफ लाइट और दूसरी तरफ डार्कनेस होती है, इंडिकेटिंग हिज आइडेंटिटी एज टू फेस। और ऐसे जब मेयर को स्पीच देते दिखाया जाता है तो उस टाइम भी पीछे हार्वी डेंट की दो फोटोज लगी होती है, एंड सिमिलर इस सीन में बेन हार्वी की फोटो को उसके चेहरे के बिल्कुल बीच में से ही फाड़ता है, जिन सब के जरिए हमें उसकी रियल आइडेंटिटी एज टू फेस फोरशैडो की गई थी। नंबर 16। मूवी के सीन में रूफटॉप जब बैटमैन एंड कैट वुमन बात कर रहे होते हैं तो जब बैटमैन एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर पीछे की तरफ देखता है तो इतने में ही कैट वुमन वहां से चली जाती है। इसके बाद बैटमैन कहता है तो ये लाइन डायरेक्ट किंगडम कम कॉमिक से ली गई थी, इसमें सुपरमैन ब्रूस के साथ ऐसा ही करता है। नंबर 17। इस पूरी मूवी में बेन ने सिर्फ दो बार ही गन का यूज किया है, जिनमें फर्स्ट टाइम जब वो अपने हेंचमैन को मारता है एंड सेकंड टाइम मूवी के एंड में जब वो बैटमैन को मारने की कोशिश करता है, बट उससे पहले कैट वुमन उसे ही मार देती है। नंबर 18। डार्क नाइट ट्रिलॉजी के तीनों ही मूवीज के बिगनिंग में बैट सिंबल्स को डिफरेंट वेज में दिखाया गया है, जो कि उस मूवी के मेन इवेंट्स को फोरशैडो करता है। लाइक बैटमैन बिगिंस की शुरुआत में ये बैट सिंबल मल्टीपल बैट से बना होता है, जो कि ब्रूस की ओरिजिन स्टोरी से जुड़े हुए हैं। द डार्क नाइट में ये सिंबल फायर से बना होता है, जो कि जोकर के केओस और उसके किए हुए एक्सप्लोसिव्स को फोरशैडो करता है। द डार्क नाइट राइज़ेस में ये सिंबल क्रैकिंग आइस से बना होता है और इस मूवी के सेकंड हाफ में कंटिन्यूसली आइस को दिखाया गया है। नंबर 19। इस चेस सीन में हमें बेन को एक टैबलेट के साथ दिखाया जाता है, जिसमें काउंटडाउन लगा होता है, और जब हमें 91 सेकंड्स को दिखाया जाता है तो उस टाइम मूवी का स्क्रीन टाइम 47 मिनट्स 40 सेकंड्स होता है, एंड काउंटडाउन खत्म होने के बाद जब बैटमैन को ये टैबलेट मिलता है तो उस टाइम मूवी में 49 मिनट्स 10 सेकंड्स हुए होते हैं, मीनिंग इस 91 सेकंड काउंटडाउन के हिसाब से रियल टाइम मूवी में भी ये चेज एग्जैक्टली 90 सेकंड्स में ही पूरा हुआ है। नंबर 20। मूवी के एंड में जब ये लेडी जॉन ब्लेक का रियल नेम रिवील करती है दैट ही इज रॉबिन, यू शुड यूज योर फुल नेम, आई लाइक दैट नेम रॉबिन, तो इस सीन के फिल्मिंग के दौरान स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर कुछ और ही नाम लिया गया था और फिर पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम इस नाम को एज रॉबिन रीडब किया गया था। इसके बारे में खुद एक्टर जोसेफ गोर्डन लेविट को भी पता नहीं था, और हालांकि ये हमें एंड में रिवील किया जाता है कि जॉन ब्लेक ही रॉबिन है, बट इसका एक हिंट हमें मूवी के बीच में ही दे दिया गया था, जो कि आपने डेफिनेटली मिस किया होगा, क्योंकि इस मैच के दौरान यहाँ पर हमें एक आर देखने को मिलता है और इसका स्टाइल एंड फॉन्ट बिल्कुल रॉबिन के सिंबल जैसा ही होता है, जो कि एक अर्ली फोरशैडोइंग थी रॉबिन के कैरेक्टर की। नंबर 22। मूवी के एंड में बैटमैन के मेमोरियल स्टैचू को इस कपड़े से ढका होता है, तो इसका कलर बैटमैन के ट्रेडिशनल ब्लू कलर कॉस्ट्यूम से सिमिलर होता है, जो कि वो अब तक कॉमिक्स में पहनते आया है। नंबर 23। डार्क नाइट राइज़ेस ऐसी वन एंड ओनली बैटमैन मूवी है जिसमें जेम्स गॉर्डन को बैटमैन की ट्रू आइडेंटिटी पता चलती है कि वो ब्रूस वेन है, एंड आल्सो ऐसी वन एंड ओनली लाइव एक्शन बैटमैन मूवी है जिसमें बैट सिग्नल का एक भी बार यूज नहीं हुआ। नंबर 24। वेल तो हर एक डीसी फैन को पता ही होगा कि कॉमिक्स में बेन वेनम ड्रग्स को लेता है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग एबिलिटीज को बढ़ा देता है, जिसको हमें इस मूवी में उसके एनेस्थेटिक अपैरेटस की तरह दिखाया गया है, जो कि उसके पेन को कम करता है, एंड कॉमिक्स की तरह इस मूवी में बैटमैन ने बेन को उसके मास्क को डैमेज करके ही हराया है। नंबर 25। एक्टर टॉम हार्डी की हाइट 5'9" है, एंड कॉमिक्स फैंस को पता ही होगा कि बेन बहुत ही टॉल एंड मस्कुलर कैरेक्टर है, तो टॉम हार्डी को एज बेन बाकी कैरेक्टर्स से ऊंचा दिखाने के लिए इन्हें हाई हील शूज पहनने पड़ते थे, एंड टॉम हार्डी ने बेन का रोल इस मूवी स्क्रिप्ट को पढ़े बिना ही एक्सेप्ट कर लिया था, और इनसे स्पेशली कहा गया था कि इन्हें मूवी के लिए एक्सटेंसिव स्टंट ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट का यूज करना पड़ेगा, एंड बेन के रोल की प्रिपरेशन के लिए हार्डी ने अपना 13-14 केजी वेट बढ़ाया था और साथ ही कई डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल्स को भी स्टडी किया था, एंड मूवी में हमें बेन की यूनिक सी वॉइस सुनने को मिली है। No one cared who I was till I put on the mask. तो इसकी इंस्पिरेशन टॉम हार्डी ने ब्रिटिश बॉक्सर बार्टले गोरमैन की वॉइस से ली थी। नंबर 27। डार्क नाइट ट्रिलॉजी के तीनों ही मूवीज में बैटमैन के आर्म्स पर लगे स्पाइक गनलेट्स मेन विलेंस को हराने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होते हैं। लाइक बैटमैन बिगिंस में बैटमैन इनकी मदद से राल गुल की स्वॉर्ड को तोड़ता है, डार्क नाइट में जोकर के हाथों से डेटोनेटर को गिराता है, एंड द डार्क नाइट राइजेस में बेन के मास्क को डैमेज करता है। नंबर 28।
मूवी में हमें सेवरल हिंट्स दिए गए थे कि पिट से निकलने वाला चाइल्ड बेन नहीं था। लाइक बैटमैन से अपनी फाइट के दौरान बेन कहता है कि वो ग्रोन अप एज ए मैन बनने के बाद ही फर्स्ट टाइम लाइट को देख पाया था। I didn't see the light until I was already a man. By then it was nothing to me but blinding. And also pit se nikalne wala bachcha scarred nahi tha, but Ben ke sath pit mein jo hua tha to wo to aap sabhi ko pata hi hai. Number 89. इस मूवी के लिए टोटल दो बैटविंग्स व्हीकल्स को बनाया गया था, जिसमें एक लाइटर वर्जन था जो एक्चुअल में उड़ सकता था और इसे केबल्स एंड क्रेन्स की मदद से हवा में रखा जाता था। इसके अलावा बैटविंग के एक हैवियर वर्जन को बनाया गया था जिसका वेट 1 से 1.5 टन के बराबर था और इसमें वर्केबल गन्स लगी हुई थी जिन्हें एक रिमोट से कंट्रोल किया जाता था। नंबर 30। मूवी में दिखाई गई जायंट प्रिजन हॉल को कुछ हद तक एक्चुअल में बनाया गया था, बट इस पिट के एक्सटीरियर शॉट्स को इंडिया में शूट किया गया था, क्योंकि क्रिश्चियन बेल के पीछे जिस बिल्डिंग को दिखाया जाता है तो यह मरनगढ़ फोर्ट है जो कि आपको जोधपुर राजस्थान में देखने को मिलेगा। नंबर 31। जब बैटमैन पिट से वापस गोथम में आता है तो उसके बाद वो गोल्डन को एक फ्लेयर चलाने के लिए कहता है जिससे कि बिल्डिंग पर बर्निंग बैट सिंबल बन जाता है जो कि कूल नोट था द डार्क नाइट मूवी के पोस्टर को। नंबर 32। डार्क नाइट ट्रिलॉजी के तीनों ही मूवीज के एंड में जिम गॉर्डन फाइनल कैरेक्टर होता है जो कि बैटमैन के साथ बात करता है। As you can see in Batman Begins, I never said thank you, and you'll never have to. The Dark Knight. And you're not. I'm whatever Gotham needs me to be. The Dark Knight Rises. You were, and you are right. But shouldn't the people know the hero who saved them? A hero can be anyone. Number 33. फाइनल चेस सीक्वेंस से पहले जब बॉम्ब का काउंटडाउन दिखाया जाता है तो वो 11 मिनट्स का होता है और इस काउंटडाउन के टाइम मूवी का रन टाइम हुआ होता है 2 घंटे 20 मिनट्स 56 सेकंड्स और बाद में जब ये बॉम्ब फटता है तो उस टाइम रन टाइम होता है 2 घंटे 31 मिनट्स 10 सेकंड्स। तो ये बॉम्ब काउंटडाउन एंड मूवी के रन टाइम के हिसाब से एग्जैक्ट 11 मिनट के बाद ही फटता है। नंबर 34। मूवी के एंड में जब ब्रूस वेन के नाम का टूमस्टोन दिखाया जाता है तो फिल्मिंग के टाइम इस पर एक्चुअल में मिरांडा टेट लिखा हुआ था ताकि स्पॉइलर्स को अवॉइड किया जा सके, जिसको बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम ब्रूस वेन में चेंज किया गया था और इस सीन की फिल्मिंग के टाइम क्रिश्चियन बेल भी सेट पर मौजूद थे टू मेक इट मोर कन्विंसिंग। नंबर 35। बेन एंड बैटमैन की इस फाइट के दौरान जब बेन बैटमैन को ऐसे उठाकर उसकी कमर को तोड़ देता है तो ये सीन डायरेक्ट नाइटफॉल कॉमिक्स से लिया गया था, जिसमें बेन एंड बैटमैन की फर्स्ट फाइट के दौरान बेन बैटमैन के साथ ऐसे ही करता है। नंबर 36। जब जोनाथन क्रेन को एज सेंटेंसिंग जज दिखाया जाता है तो उस टाइम उसके कोर्ट के दोनों तरफ से कुछ ट्रोस बाहर निकली होती है जो की क्लियर नोट था इसके अल्टर ईगो स्केयरक्रो को। नंबर 37। आई डोंट नो ये कोइंसिडेंस है या फिर इसे जानबूझकर किया गया है, बट डार्क नाइट ट्रिलॉजी की हर एक मूवी उसकी प्रीवियस मूवी से 12 मिनट्स बड़ी है, जिनमें बैटमैन बिगिंस का रन टाइम 2 घंटे 20 मिनट है। द डार्क नाइट्स रन टाइम इज 2 आवर 32 मिनट्स एंड द डार्क नाइट राइजेस रन टाइम इज 2 आवर 44 मिनट्स, जो कि इन्हें इनकी प्रीवियस मूवी से 12 मिनट्स लॉन्गर बनाती है। नंबर 38। डार्क नाइट ट्रिलॉजी की तीनों ही मूवीज में मेन विलेंस की फाइनल मूवमेंट से पहले सेम म्यूजिकल क्यू का यूज किया गया है और अब आप बैकग्राउंड म्यूजिक को बड़े ही ध्यान से सुनना। दिस इज बैटमैन बिगिंस विद राहुल गुल। द डार्क नाइट विद जोकर। एंड द डार्क नाइट राइजेस विद टालिया अल गुल। नंबर 39। जब ऑफिसर ब्लेक ब्रूस को फर्स्ट टाइम मिलता है तो उस टाइम वो जायंट एलिगेटर्स को मेंशन करता है। Shouldn't you be telling your superior officers about this? They asked me if he saw any giant alligators. जो कि क्लियर नोट था बैटमैन विलन किलर क्रोक को, जो कि हमें सुसाइड स्क्वाड मूवी में देखने को मिला था। नंबर 40। सेलिना को जब प्रिजन में ले जाया जाता है तो उस टाइम इस सीन में प्रिजन वार्डन का रोल एक्टर वेड विलियम्स ने प्ले किया है और अगर आपने प्रिजन ब्रेक सीरीज देखी होगी तो उसमें भी इन्होंने प्रिजन वार्डन बेलिक का रोल प्ले किया हुआ है। नंबर 41। डार्क नाइट ट्रिलॉजी की हर एक मूवी में बैटमैन एक ब्रूस वेन का एक फ्रेंड या उसका कोई साथी बाद में विलेन जरूर बना है, लाइक बैटमैन बिगिंस में राहुल गुल, द डार्क नाइट में हार्वी डेंट एंड द डार्क नाइट राइजेस में मिरांडा। नंबर 42। इस मूवी में टालिया की डेथ ट्रक के अपर रोड से नीचे की तरफ गिरने से होती है, जिसमें कि उसने एक डेडली वेपन रखा होता है बिल्कुल उसके फादर राहुल गुल की तरह, जिसकी डेथ भी एक ट्रेन के ऊपर से नीचे की तरफ गिरने से हुई थी और उसने भी ट्रेन में एक डेडली वेपन रखा हुआ था। सो लाइक फादर लाइक डॉटर। नंबर 43। मूवी में दिखाया स्टेडियम एक्सप्लोजिव सीक्वेंस तो इसे एक्चुअल में एक रियल फुटबॉल स्टेडियम में परफॉर्म किया गया था, जिसमें इस प्लेग्राउंड के ऊपर एक फेक सरफेस बनाई गई थी और फिर उसे एक्सप्लोजिव की मदद से एक्सप्लोड किया गया था और इस स्टेडियम सीन को बहुत ही ज्यादा गर्मी में शूट किया गया था
जिस दौरान सभी एक्टर्स एंड स्टेडियम में बैठे इन कई हजार लोगों को मूवी की स्टोरी के हिसाब से हैवी विंटर क्लोथ्स पहनने पड़े थे। नंबर 44। इस मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइनर लिंडी हैमिंग्स के अकॉर्डिंग मूवी में दिखाई गई बेन के इस लॉन्ग कोट को डिजाइन करने में उन्हें 2 साल लगे थे और इसकी इंस्पिरेशन स्वेडिश आर्मी जैकेट एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉक कोट से ली गई थी ताकि बेन देखने में बिल्कुल एक डिक्टेटोरियल एंड रेवोल्यूशनरी लगे। नंबर 45। मूवी में दिखाया गया मैस्कुलेट बॉल सीक्वेंस, जब ब्रूस वेन सेलिना काइल के साथ में डांस करते हुए दिखाया जाता है तो एक्चुअल में नोट था बैटमैन रिटर्न्स मूवी के मैस्कुलेट बॉल डांस सीक्वेंस को। नंबर 46। फाइनल सीन में अल्फ्रेड अपना बिल पे करने के लिए अपने कार्ड को निकालता है बट ब्रूस को देखने के बाद वो कार्ड को अपने ही वॉलेट में डाल लेता है क्योंकि अल्फ्रेड को पता था कि ब्रूस उसके बिल को पे कर देगा और या फिर उसने पहले ही पे कर दिया होगा। और अगर आप नोटिस करोगे तो इस सीन में सेलिना ने अपने गले में वही नेकलेस पहना होता है जो कि उसने मूवी के स्टार्टिंग में चुराया था बट इस बार ये खुद ब्रूस ने उसे दिया होगा। नंबर 47। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इस ट्रिलॉजी की हर एक मूवी की थीम को एक दूसरे से टोटली डिफरेंट रखा है जिनमें बैटमैन बिगिंस की थीम है फियर जिसमें ब्रूस अपने बैट्स के डर को कंट्रोल करते हुए उसी को ही अपना सिंबल बनाता है। What bats? Lost the one. Bats frightened me. This time my enemy shared my dread. द डार्क नाइट की थीम है केओस जिसमें हमें जोकर की गई तबाही दिखाई गई है। I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. And the Dark Knight Rises की थीम है पेन जिसमें पेन बैटमैन को फिजिकली एंड मेंटली दर्द देता है और गोथम को उसी के सामने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। No one cared who I was till I put on the mask. Number 48। पहले इस मूवी में डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन द डार्क नाइट वाले जोकर के डिलीटेड सीन्स को सीजीआई के साथ मिक्स करके जोकर को इस मूवी में भी दिखाना चाहते थे बट बाद में उन्हें ऐसा लगा कि यह हीथ लेजर के लिए डिसरेस्पेक्टफुल होगा और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जोकर को इस मूवी में एक बार भी मेंशन नहीं किया गया बट इस कैरेक्टर को क्लेवर ट्रिब्यूट जोड़ दिया गया है क्योंकि एंड में जब बैटमैन के स्टैचू को रिवील किया जाता है तो उसके आसपास इन सीट्स को जोकर की स्माइलिंग फेस की तरह बनाया होता है। यहाँ पर ये दो आईज और ये स्माइलिंग फेस जो कि हीथ लेजर के जोकर को एक ट्रिब्यूट था। नंबर 50। द डार्क नाइट राइजेस मूवी की स्टोरी को 3 बैटमैन कॉमिक्स को मिलाकर तैयार किया गया है जिनमें फर्स्ट है द डार्क नाइट रिटर्न्स जिसमें एक मिडिल एज्ड बैटमैन फ्यूचर गोथम को ऑपरेट करता है। सेकंड इज नाइटफॉल जिसमें बेन बैटमैन को फिजिकली एंड मेंटली पुश करता है एंड थर्ड इज नो मैन्स लैंड जिसमें गोथम एक पोस्ट एपोकलिप्टिक टेरिटोरी बन जाता है और यूएस गवर्नमेंट भी उससे अपने कनेक्शन कट कर देती है। एंड विद दिस वीडियो द डार्क नाइट ट्रिलॉजी फैक्ट्स एंड डिटेल्स आर कंप्लीट। और अगर आपने मेरी बैटमैन बिगिंस एंड द डार्क नाइट की फैक्ट वीडियोस को नहीं देखा तो you made a serious mistake.